स्मोकर जी हमारी स्टार्ट हो गई। और ये क्या था? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब 12:45 हो गए हैं, उल्टे मुंह अच्छा धोया और चाय का कप उठा लिया, ऑफिस गए नहीं, थके हुए थे ज़्यादा। तो ये आज का व्लॉग कर रहा हूँ स्टार्ट। चाय वगैरह पी के ना और हम अपना मुंह अच्छा धो के फ्रेश हो चुके हैं। और ये व्यू है कि दोपहर की नमाज का टाइम हो रहा है, क्योंकि उठे 12:30 है तो नमाज का टाइम हो रहा है। पहले नमाज पढ़ा और उसके बाद देखा कि काम शाम है कि नहीं, लैपटॉप ऑन करके देखा। A few moments later, नमाज पढ़ाएंगे ना बाद में। मैंने लैपटॉप अपना ऑन कर लिया था, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के काम करा क्योंकि ऑफिस तो गए नहीं। तो लेट्स सी के है करण ने अपन खाना शाना खा के थोड़ी देर लैपटॉप पर बैठ कर उसके बाद एक काम है वो काम करके आते हैं और फिर उसके बाद ना बैठ के ब्लॉग एडिट करेंगे। 4:30 का टाइम हो रहा है, तो फिर बाहर ठीक एक घंटा आया। A few inches later, आ चुके जी हम अपनी बायर से ड्यूटी करके और ये हाल हो चुके हैं। ये पहले ब्लॉग एडिट करेंगे, फिर शॉवर वगैरह लगाएंगे और लेट्स सी उसके बाद की रूटीन होगी आज। तो जी ब्लॉग जो है ना हमने लगा दिया है एक्सपोर्ट होना और इसमें तकरीबन 54 एक घंटा के करीब इसमें टाइम लगेगा। तो हम ये व्यू है कि असर की नमाज का टाइम हो रहा है, तो फ्रेश हो शॉवर वगैरह ले ला और फिर उसके बाद नमाज की तैयारी कराना। नमाज पढ़ के शॉवर वगैरह ले कर ना हम ऊपर जा रहे हैं चाय का कप लेकर। तो जी हम फाइनली छत पर पहुँच गए। आज मौसम बड़ा प्रेजेंट है, बड़ा अच्छा है, तो ऊपर हल्की फुल्की वॉक कर दे, पर चाय पीवाएंगे। चाय बड़ी मज़े की बन गया और इस टाइम चाय बहुत ज़रूरी हो रहा है। दूसरा आज मैं ऑफिस नहीं गया यार, मेरा जी नहीं कर रहा था ऑफिस जाने, क्योंकि एक दो काम पेंडिंग है, कुछ पर्सनल काम तो इस वजह से। बाकी मैं बैठ कर चाय पीवाएंगे, इन्जॉय करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि और के सीन्स बनेंगे के करना। ब्लॉग नीचे एक्सपोर्ट पर लगा रखे हमारे, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा उसमें शेड्यूल कर देंगे। चाय पी के ना चाय पी के मैं छत से आ चुका हूँ, नीचे लाइट साइड ऑन कर रहा हूँ और अपना ब्लॉग बैठ के शेड्यूल कराएँ, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो चुका है और फिर उसके बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा और फिर देखेंगे कि ये सीन है। और हाँ चलो पहले ना इसने शेड्यूल कर लें भाई, क्या था ना ब्लॉग स्लॉग शेड्यूल करके हम फ्री हुए हैं और फिर लाइट चली, छत पर चला और टाइम पास करें, फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा। A few moments later, जनाब लाइट जो है बाज चुकी है और ईब हम निकल रहे हैं बाहर। लेट्स सी के जाना कितना, वो इंडिकेटर टूट गया इसका तो, खैर कोई नहीं आप निकला। मैंने पता कि जाना बाहर निकल के फिर बताऊंगा उसको। मैं जा रहा हूँ फिलहाल शाहजी दौरा, हमारे शाहजी हमारा है टिपी दौरा जाना, कल दो बारिश हो गई थी, आज जल्दी निकल रहे हैं, नमाज शमाज होते पढ़ा गई, लेट्स गो देयर और चेक करा कि क्या सीन है। A few inches later, मैं ना जा रहा था टिपी के पास, लेकिन मेरे पास ना जाहिद की कॉल आ गई रास्ते में कि जी कित है मैं फिर क्या आ रहा हूँ तेरी बमूरत से, स्नोकर खेलने का प्लान है, मैं रोड पर रुक गया हूँ, वो घर से आ रहा है, फिर स्नोकर खेलने चलेंगे उसके बाद फिर हम शाहजी दौरा निकलेंगे। लेट्स गो इनसाइड एंड प्ले सम स्नोकर विद टू यंग बॉयज जाहिद और यासीन। चलो स्मोकर जी हमारी स्टार्ट हो गई। और ये क्या था? ये तो रिकॉर्डेड शॉट है, बहुत आला जाहिद भाई, बहुत आला भाई साहब इसके बहुत आला। अच्छा कितने कर दे। ये है जी हमारा स्कोर बोर्ड, -5 = -9, ये हमारा स्कोर बोर्ड है। जैसे इनके 16, मेरे 13 और जाहिद के 9। चलो जी स्नोकर हमने खेल लिया, टोटली फ्री हो गया और ये बंदा जाना है शाहजी के पास। बारिश बंद हो गई हो गई, चलो फिर घर। A few moments later, साहब ये पता किसी ने कि बारिश में ना हम आज फिर भी गए थोड़ा बहुत और उसके बाद हम आ गए अपने घर। ये आके ट्राउज़र वगैरह चेंज कर रहे हैं क्योंकि गीला हो रहा है, शर्ट ठीक है बेहतर है, ट्राउज़र गंदा हो रहा है क्योंकि पानी के छीटे छीटे लगे हैं बाइक चलाते हुए, तो ये हुलिया ठीक करेंगे, खाना शाना खाओगे और उसके बाद बताऊँ कि और क्या करना है।
One eternity later. तो जी फ्रेश हो गए, चाय शाय हमने अपनी उठा ली है, नमाज पढ़ ली, खाना शाना खा लिया और चाय पीने का मेरी टाइम है 1:30 का टाइम हो रहा है। और आज का भाई सीन ये था कि सुबह था भाई उठा लेट, बहुत ज़्यादा लेट उठा था। फिर मैंने खाना शाना खाया और फिर उसके बाद नमाज वमाज पढ़ी, ब्लॉग एडिट कराया, लैपटॉप पे थोड़ा बहुत काम देखा। उसके बाद ना कि मैं बाहर चला गया, मैंने जाना शाहजी के पास था, टीपी के पास, लेकिन मेरे को कॉल आ गई जाहिद की कि स्नोकर चला, फिर हम स्नोकर चले गए, ठीक है। और उत फिर होगी बारिश जैसी हुई, फिर हमने ना उत थोड़ी देर वेट करना पड़ा, फिर हल्की हल्की बारिश में हम घर आए जब भीग रहे थे। उसके बाद आके मैंने खाना शाना खाया, नमाज वमाज पढ़ी और फिर उसके बाद आके मैंने कपड़े शपड़े हमने चेंज करे क्योंकि सारे गीले हो रहे थे। तो चाय मैंने बढ़िया चाय की बड़ी तलब हो रही थी क्योंकि मौसम इतना अच्छा है 3-4 दिन से ना भागलपुर का कि बारिश हो रही है, दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है, जित बाहर निकलो बारिश हो जाए। तो स्नोकर पर टाइम ज़्यादा लग गया, उत्सव करने के लिए हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर मैंने कहा घर चलो शादी दौरा फिर किसी दिन चक्कर ला लेंगे। तो ई भी हो गया रात के 1:30 और ये मैंने रात ने व्लॉग एडिट करके सोना कि सुबह तक एक्सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि कल मैंने सुबह निकलना लाहौर, तो ट्रैवलिंग में सारा दिन गुजर जाएगा, 6 घंटे जान के 6 घंटे आन के 12 घंटे, तो चट यूँ हो जाएंगे। तो इस वजह से ये भी रात में व्लॉग एडिट करूँगा और सुबह उठ के नाश्ता करने से पहले इस ना शेड्यूल कर दूँगा और फिर उसके बाद चला जाऊँ। तो ये पापा चाय इंजॉय करना, चाय नहीं इंजॉय करते, ये पापा ना सोमा नहीं बल्कि व्लॉग एंड करके ना इसने जल्दी जल्दी एडिट करा। यार मेरे व्लॉग्स में ना मैं कैसे बताऊँ, फिर से नहीं थर से बताऊँ कि मेरी डेली की डायरी है कि मैं डेली के कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं भी करना ना तो मैंने रिकॉर्ड करनी है अपनी डायरी, वो 500 डेज 500 दिन तक मैंने ना रिकॉर्ड करनी है आराम में। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल से तो ऊपर हो गया टाइम, ठीक है, मतलब 380 डेज हो गए लगातार कंजेक्टिव मैंने ब्लॉगिंग करते हुए कि मैंने किसी एक दिन की भी ब्रेक नहीं ली है और डेली मैंने ब्लॉग अपलोड करा, यानी कि मेरी कंसिस्टेंसी है अपनी डायरी लेखन में, लिखन से ज़्यादा बेहतर था। मैंने कहा कि यार रिकॉर्ड करना है बंदा देख भी लेगा, तो जो साथ होंगे उनसे भी देख लिया बंदा, लिखन में और चीज़ है रिकॉर्ड में और चीज़ है, तो यो सीन था। तो ये आज का ब्लॉग उन्हें करेंगे एंड सुबह मिलेंगे, तो ऐसे चैनल है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दुआ में याद रखो, कल मिलेंगे लॉर्निकल टाइम, अल्लाह हाफिज़।